आ गई बियर्ड थोड़ी थोड़ी, यानी कि टेस्टो आ गया है। अब आपको ये भी समझ आ गया है कि फेस पे बियर्ड होना एक बहुत मस्त चीज है, क्योंकि इसको जैसे आप चाहो वैसे स्टाइल करके अपनी लुक बदल सकते हो। भाई बियर्ड स्टाइलिंग ना मेकअप फॉर मेन की तरह। बट आज मैं सैम कालरा आपको पैची बियर्ड को सही से स्टाइल करने के साथ साथ फिलिप्स वन ब्लेड के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि आप ट्रिम, शेव एंड स्टाइल कर सकते हो। भाई फर्स्ट पॉइंट है ये डिसाइड करना कि पूरी शेव करनी है या ट्रिम करनी है। भाई आप में से काफी लोग ना एक्सट्रीम पैची बियर्ड लेके बैठे हो, जो जब तक फुल ना हो जाए, जैसे कि हमारे 60-day बियर्ड चैलेंज वाले में हुई थी, तब तक आपको पूरी हटा के रखनी होगी। अब इसमें आपको हेल्प करेगा फिलिप्स का वन ब्लेड। अब ब्रो ये कोई ट्रिमर नहीं है, इट्स अ न्यू कैटेगरी इन मेंस ग्रूमिंग। तो वन ब्लेड को यूज करते वक्त ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको शेविंग फोम यूज करना ही है। मतलब चाहो तो कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ड्राई या वेट फेस में आराम से यूज हो सकता है, और यूज करने के बाद इसको धो भी सकते हो आप। सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, फ्री द लिप्स। ब्रो नेक्स्ट टाइम यू गो इन फॉर द किस, याद रखो कि लड़की आपकी मूंछें नहीं किस करना चाहती, तो ट्रिम कर लेना बेटर है वन ब्लेड से। ऑल्सो मेक श्योर कि आप चेहरे पे कोई कट ना लेके जाओ। अब फिलिप्स वन ब्लेड में प्रोटेक्टिव प्लेट और राउंडेड टिप्स की वजह से बियर्ड को ट्रिम करने के लिए स्किन के क्लोज नहीं आता, और इसलिए फेस पे निक्स या कट्स का डर बिल्कुल नहीं रहता। और इसे आप जल्दी से भी चेहरे पे यूज कर लोगे ना तो भी ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए ये एक्ने प्रोन स्किन या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए भी बढ़िया है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, फेड द बियर्ड। यार आपको ना अपने चीक्स को एकदम टाइट ट्रिम करना है, मतलब कि बहुत छोटे बाल रखने हैं वहाँ के, और जो आपका चिन और जॉ वाला एरिया है उसको थोड़ा सा डेंस रखना है, मतलब वहाँ पे बाल थोड़े लंबे होने चाहिए। इससे आपकी बियर्ड पे बहुत प्यारा फेड इफेक्ट आएगा और बियर्ड की शेप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगी। और इससे बेस्ट चीज होती है कि आपकी जॉ लाइन भी ज्यादा एक्सेंचुएटेड दिखती है, मतलब की ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन लगती है, और जिनके फेस में थोड़े से कम फीचर्स होते हैं उनका फेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगता है, और बल्कि सीधा और लंबा फेस भी लगता है, जो कि बहुत सेक्सी लगता है। और यही फिलिप्स वन ब्लेड आता है 1 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर वाली कॉम्ब्स के साथ, जिनमें से आप किसी भी लेंथ पे ट्रिम या शेव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई शेप अप करना बहुत जरूरी है, मतलब चाहे आपकी बियर्ड कैसी भी हो आपको अपनी नेक लाइन और चीक लाइन तो क्लीन रखनी ही है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आपकी बियर्ड बहुत मैसी लगेगी। और अगर आपकी नेक पे एक सिंगल लाइन जारी होगी, चीक्स पे एक सिंगल लाइन जारी होगी, तो बियर्ड बहुत ज्यादा शार्प लगेगी। इसमें आप वन ब्लेड यूज करके ये लाइंस नीटली बना सकते हो, क्योंकि इसमें है डुअल साइडेड ब्लेड जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में ग्लाइड करके यूज कर सकते हो। अब क्योंकि आप वन ब्लेड से 3-in-1 यानी कि ट्रिम शेव स्टाइल कर सकते हो, तो कोई भी स्टाइल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको पैची बियर्ड छुपाने के हैक्स बताने से पहले बता दूं कि मैं फिलिप्स वन ब्लेड इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, और वो भी विद अ लाइट वेट बॉडी। और फिलिप्स तो आपने देखा ऐसा ब्रांड है जो हम अपने चैनल पे बहुत यूज करते हैं। ये 100% रिचार्जेबल है और इसको आप कॉर्डलेस भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हो तो आप बिगिनर ही, इसलिए मुझे ब्रिलियंट चॉइस लगता है पैची बियर्ड को ग्रूम करने के लिए। टिप्स हो गई, अब ट्रिक्स बताता हूं, क्योंकि भाई हैकर देखो ये हर रोज करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी इवेंट पे जाना है, शादी वादी पे जाना है, तो वहां पे जाने से पहले आप अपनी पैची बियर्ड को एक काजल पेंसिल से फिल कर सकते हो। इसको ज्यादा मत कर देना, नहीं तो अजीब लगेगा, और हल्के हाथ से लंबे लंबे स्ट्रोक्स मारना पैची एरियाज में। और अगर आप काजल पेंसिल नहीं चुरा पा रहे मम्मी या बहन से, तो आप हेयर फाइबर भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको बस स्प्रिंकल करने अपनी दाढ़ी में। अगेन इसको भी ज्यादा मत यूज कर लेना, और अगर आपको फेस पे बहुत पसीने आते हैं तो बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी का हो वो पसीने के साथ कभी कभी बह जाता है। अब भाई देखो अल्टीमेटली तो कॉन्फिडेंस ही है जो मैटर करता है, तो पैची बियर्ड को भी अच्छे से स्टाइल करके जाओगे तो बेस्ट लगोगे। एंड इसके लिए ट्राई करो फिलिप्स वन ब्लेड, जो कि 2 ईयर्स वारंटी के साथ भी आता है और आपकी बजट में भी होगा। इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ले लेना। मेरे को कमेंट्स में ये भी बताओ कि आपके पैची एरियाज एग्जैक्टली कहां पे हैं, जॉ पे है, चीक पे है, कहां पे है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।